समझे कि यहाँ तो 10-5 साल के बाद पटना बन जाएगा। पटना स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। अभी मैं रिपोर्टिंग करने के लिए जट डुमरी आ पहुंची हूं और यह पटना से कम 10 किलोमीटर दूरी होगी और यह एक छोटा सा अभी जट डुमरी जो है हॉल्ट है, छोटा सा हॉल्ट है। और इसकी जो खासियत है, मैं यहीं पर क्यों आई ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसकी क्या खासियत है। हालांकि ये हॉल्ट है लेकिन ये हॉल्ट अब नहीं रहा क्योंकि अब यह जंक्शन में तब्दील होने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह जंक्शन में तब्दील होने वाला है क्योंकि अब जो पटना जंक्शन में जो भाड़ होती थी उतनी जनसंख्या की, अब वह कमने वाली है। और इसका बनने का क्या कारण है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। दरअसल बिहार के नेउरा और दनियामा के बीच बन रहे रेल लाइन निर्माण के कार्य ने इस बार, मैं आपको बता दूं कि ये रफ्तार पकड़ लिया है। जिस तेज़ी से इस रेल लाइन पर काम किया जा रहा है उसे देखकर उम्मीद जताई जा रही है कि साल के अंत तक काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि बीते साल बजट में इस रेल लाइन को रफ्तार देने के लिए 150 करोड़ की राशि जारी की गई थी। इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेल लाइन का कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था। यहाँ यह भी बता दें कि भूमि अधिग्रहण में आ रही परेशानियों की वजह से इस प्रोजेक्ट में थोड़ी देरी हुई थी, हालांकि इसका काम तेजी से किया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्य जो है रफ्तार में पहुँचा हुआ है, चारों तरफ से कार्य हो रहा है। अभी इस रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम फुलवारी शरीफ इलाके में भी देखा जा रहा है। भारतीय रेल विकास निगम इसका निर्माण कार्य कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस रेल लाइन से जुड़ने वाली बिहार शरीफ से नवादा रेल लाइन 16 किलोमीटर, बड़बीघा शेखपुरा रेल लाइन एवं 25 किलोमीटर लंबी बिहार शरीफ बड़बीघा रेल लाइन और 38 किलोमीटर लंबी दनियामा बिहार शरीफ रेल लाइन का काम पूरा हो चुका है। अब अगले फेज में, जो अगला फेज है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, थोड़ा सा उधर दिखाइएगा। अगले फेज में उधर नेउरा से जट डुमरी के रास्ते दनियामा तक 42.2 किलोमीटर लंबी जो है रेल लाइन का काम पूरा किया जाएगा। यानी कि वो जो आप जो सीधे रास्ता जो देख रहे हैं वहीं से यह रास्ता निकलेगा और उसका काम भी पूरा किया जाएगा। यह योजना जो है रेलवे के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मेन लाइन में पटना से किउल के बीच ट्रेनों की संख्या अधिक है और इस वजह से ट्रेनों के आवागमन में बाधा पैदा होती है। नेउरा दनियामा लाइन शुरू होने के बाद मेन लाइन में लोड कम होगा। इस लाइन से मालगाड़ियों एवं नॉन स्टॉप पैसेंजर ट्रेनों का भी आवागमन होगा। रेल लाइन बिछा दी गई है जिसमें बड़बीघा से शेखपुरा का निर्माण हो चुका है। अब तीसरे चरण की बात रही है तो जो तीसरे चरण में नेउरा से दनियामा के बीच रेल लाइन के निर्माण का कार्य जारी है। इस पूरी योजना में रेलवे का जो लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि इस साल के आखिरी तक इस रेल खंड पर नेउरा से शेखपुरा तक ट्रेनों का परिसंचालन शुरू हो जाएगा। तो ये बताइए, इस यहाँ पर ये जो जंक्शन जो जाने जंक्शन ये जो हॉल्ट है ये जंक्शन बनने वाला है, उधर से आपका पटना गया वाला भी रोड एकदम पूरा हो गया है, उधर भी जा रहा है ट्रेन, इधर भी जा रहा है ट्रेन, चारों तरफ से ट्रेन जा रहा है, क्या यहाँ का जो ये जो इलाका है कितना विकसित हुआ है? बहुत विकसित हुआ है। कितने गांव इससे प्रभावित हुए हैं? 100-150 गांव हुआ है। 100-150 गांव, मतलब यहाँ का तो ये जमीन भी तो पूरा ये हो गया होगा। हाँ हाँ, समझे कि यहाँ तो 10-5 साल के बाद पटना बन जाएगा। पटना बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ। किधर किधर से ट्रेन आ रही है, जा रही है? गया से आएगी, नवादा तरफ से आएगी यहाँ पे, और इधर मतलब जो दिल्ली से अगर मालगाड़ी है इधर से आरा उरा से आएगी, जो बाहर बाहर निकल जाएगी पटना में, वो भी निकल जाएगी। हाँ, यानी कि चारों तरफ से यहाँ पे ट्रेन आ रही है। हाँ, हाँ। और इसी कारण से यहाँ पे जंक्शन बनाया जा रहा है। हाँ, हाँ। ये जो इलाका है काफी छोटा है, नेउरा शायद ही आप लोग इस जो जट डुमरी हॉल्ट जो है शायद ही इसका नाम आप लोग सुनते होंगे। रेलवे अभी स्टेशन का पूरा उस तरह से यहाँ पर छावनी भी नहीं है क्योंकि हॉल्ट है, लेकिन अब यह जो जगह है काफ़ी विकसित होने वाला है। यानी कि लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ, बिहार में काम नहीं हुआ, तो हम लोग भी निकले हैं कि कहीं कहाँ काम हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए कि आखिर वाकई में जो बिहार में वाकई में कहीं पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।